अस्सलामुअलैकुम यार, यो टीचर मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम अपनी जो वीडियो की फॉर एग्जांपल प्लेलिस्ट हम क्रिएट करते हैं, तो वो प्लेलिस्ट को साइज़, उसकी जो लेंथ है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम एक न्यू यूट्यूबर हैं और हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे यानी कि 10 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें उसका वॉच टाइम जो है, आप ले लें फॉर एग्जांपल मैक्सिमम आपका 2 आवर है, और अगर आपको कोई वॉच टाइम देना चाहता है या फिर आप किसी ग्रुप में हैं और वहाँ पे आपका ऑब्वियसली यानी कि ग्रुप वाले अगर आपको वॉच टाइम देना चाह रहे हैं, तो वो बार बार जब आपकी वीडियो को प्ले करेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी कन्फ्यूजन होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उनके लिए, क्योंकि बार बार आपकी वीडियो को देखना पड़ेगा कि कहीं और दूसरी वीडियो तो नहीं आ गई, आपकी प्लेलिस्ट की लेंथ कम होगी तो। लेकिन अगर आपकी वीडियो की प्लेलिस्ट ज़्यादा बड़ी है और आप अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं कि जो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट है उसकी लेंथ जो है वो 10 आवर्स है या 15 आवर्स है, तो वो आप अगर बता देते हैं तो ऑब्वियसली उसको वॉच टाइम देने में आसानी होगी और आपको भी वॉच टाइम मैक्सिमम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डे टाइम में नहीं दे सकता आपको वॉच टाइम, तो हर बंदा आपको कॉपरेट करने की कोशिश करेगा, आपसे अटैचमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी प्लेलिस्ट ज़्यादा है और उसको वॉच टाइम देने में आसानी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी काम, कोई भी काम है, अगर वो हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई हमारी रिक्वायरमेंट है किसी और कोई काम हम करना चाहते हैं और उस काम की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हम इजीली से क्लियर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। तो सेम लाइक दिस, अगर हमारी प्लेलिस्ट ज़्यादा होगी, वॉच टाइम हमारा यानी कि प्लेलिस्ट का जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और जो हमारा यानी कि वॉच टाइम देने वाला है तो उसके लिए हमारी वीडियो की लेंथ देना ज़्यादा यानी कि आसान होगी, और हमारी जो वॉच टाइम उसके लिए है वो कंप्लीट करना ज़्यादा आसान होगा, तो ऑब्वियसली वो आपसे अटैचमेंट करने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा आपके साथ चलने की। लेकिन अगर आपकी वीडियो लेंथ कम है और आपका वॉच टाइम जो है वो भी ऑब्वियसली उसी तरह ही यानी कि आपका कम होगा, तो वो बार बार उसको प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा मसला उसके होगा और वो कोशिश करेगा आपके साथ वो अटैचमेंट ना करे। अगर अगर बाई से मजबूरी वो आपके साथ अटैचमेंट उसको करना पड़ भी रही है, तो भी आपको जो है वो प्रॉपर टाइम वॉच टाइम नहीं दे सकेगा और ना ही वो वॉच टाइम जो कि आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो ये वाली रीजंस होती हैं। और अभी हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि हम अपनी प्लेलिस्ट, वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और चलते हैं हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। टॉपिक है, लेट यू कैन सी यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं। सिंपली जो है हमने जाना है अपना जी YouTube को ओपन करना है, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाला YouTube पेज मेरा ओपन है। यहाँ पे ही आप देख सकते हैं न्यू टैब में मैं YouTube ओपन करने लगा हूँ। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम अपनी प्लेलिस्ट का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़, यूट्यूब होम ट्रेंडिंग सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी हिस्ट्री योर वीडियोस वॉच लेटर ऑल इन वन और शो मोर। यहाँ पे आपके पास ये वाली जो है ये आपकी आ रही है प्लेलिस्ट, ये जितनी भी हैं आपकी प्लेलिस्ट आ रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली फॉर एग्जांपल ये एडवर्टाइजमेंट की जो प्लेलिस्ट है इसको मैं क्लिक करता हूँ, और इसको अगर फॉर एग्जांपल यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नाम इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं नाम यहाँ पे आपको यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं ऑल वीडियोज। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा वे है, ऑल वीडियोज हम लेते हैं सिंपली और इस पे क्लिक कर देते हैं, ये सेव कर देते हैं, ये हमारा जो है ऑल वीडियोज के नाम से सेव हो गया है। अभी हमने करना क्या है, अभी हमने अपनी जहाँ पे आप देख सकते हैं नो वीडियोज है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, ये तीन ये जो एरो है शेयर, ये आपके सामने शेयर का ऑप्शन है, और यहाँ इसके सामने ये तीन डार्ट्स हैं, तो इन तीन डार्ट्स पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड वीडियोस कोलैबोरेट प्लेलिस्ट सेटिंग एंड डिलीट प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐड वीडियोस करनी है, तो ऐड वीडियोस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो सर्च यूआरएल ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, यूट्यूब वीडियोज में जाना है।
यहाँ पे हमारे पास जो है ये YouTube वीडियोस है, ये तमाम तरह हमारी वीडियोस हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली इन पे क्लिक करना है। अभी इसमें सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको शिफ्ट या कंट्रोल का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप से आप जो है इसको वीडियोस को रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अभी हम क्या कहते हैं, सिंपली फॉर एग्जांपल इसमें मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो तमाम वीडियोस है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर ली एक टाइम, तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है इसके बाद ऐड वीडियोस है, फॉर एग्जाम्पल ये तमाम तर वीडियो हमने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हम 22 वीडियोस को सिलेक्ट किए, हमारे फॉर एग्जाम्पल प्लेलिस्ट जो है वो मैक्सिमम वीडियोस जो है वो हमारी 22 है, तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको मजीद कैसे बढ़ा सकते हैं, दोबारा से फिर हमने एरो पे आना है, एरो के सामने जो तीन डॉट्स है उन पे क्लिक करना है, लेट यू कैन सी, यहाँ पे हमने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सिंपली हमने ऐड वीडियोज पे जाना है, और ऐड वीडियोज के बाद उसी तरह ही उनको लेके वापस आना है, तो वहां पे सेम वही प्रोसेस करना है। इसी तरह हमने इस वीडियो को जो है, इस हमारे ये कंटेंट जो है, इसमें 8 से 10 मरतबा आपने इसको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वीडियो आपकी 10 है तो आप इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको वॉच टाइम दे रहा है, आप किसी से वॉच टाइम ले रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली उसमें बार बार प्ले करना है, तो बार बार प्ले करने के लिए भी उतना ही टाइम चाहिए जितना कि आपकी सिंगल प्लेलिस्ट में होगी। लेकिन इसकी इसमें एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी कि आप इसमें अपनी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसको, उसकी लेंथ को बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यानी कि आपकी 10 वीडियोज हैं और उसका जो वॉच टाइम है आपका 2 आवर है, तो आप उसको 5 टाइम अगर प्ले कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेट यू कैन सी मैं सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद मैं दोबारा से ऐड करने लगा हूँ, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ हो गई है। जी, ये देख सकते हैं अभी हमारे पास जो है ये 56 वीडियोज हो गई हैं, कितनी हो गई है, 56 वीडियोज। तो इसी तरह अगर दोबारा से हम यानी कि मजीद और बढ़ाना चाहते हैं अपनी वीडियो की लेंथ, सॉरी प्लेलिस्ट की लेंथ, तो सेम इसी तरह हमने ऐड वीडियोज पे आना है। यहाँ पे ये याद रखना है ऐड टू ऑल भी है, ऐड टू ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप यानी कि तमाम जो वीडियोज हैं ये देखें आपकी प्लेलिस्ट वो सारी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये वाला नहीं करना, हमने ऐड वीडियोज को बार बार करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको यूज करेंगे, और ऐड वीडियोज में हम उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, तो उससे हमारी जो वीडियो की प्लेलिस्ट होगी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वीडियोज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसका वॉच टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम जो है यानी कि हमारा कोई भी यानी कि ऐसा दोस्त जो कि हमें आवाज टाइम देना चाह रहा है तो वो आसानी से देख सकेगा, और इसको फॉर एग्जांपल अगर वो रात का टाइम है वो सोना चाह रहा है तो आपकी प्लेलिस्ट एक मरतबा ही वो प्ले करके इजी से वो सो जाएगा, तो आपका जो आवाज टाइम है वो आपको मिलता रहेगा और उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। Thank you.